अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास है, आज हमने एक्सरसाइज 1.3 अब पार्ट नंबर 5 करना है। पहले 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, अब ये देखिए पार्ट नंबर 5 उसी तरह ही करना है जिस तरह लास्ट वाले क्वेश्चन की। पहले तो आपने इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है, हर क्वेश्चन में यही बात बार बार रिपीट होनी है। अब आपने यहाँ पर सोल्यूशन करना है आपने, तो 3x-2+5 पावर -2 है, ये प्लस है तो इधर आकर -8 x-1=0। ये टर्म इधर ले आनी है तो उधर क्या बचा 0। अब यहाँ पर अरेंज कर दो, 3x-2 इसे सेकंड नंबर पर लिखो, 8x-1+5=0। अब स्टूडेंट आपने लेट करना है, लेट क्या करना है जी आपने, वो आपको पता ही है। यहाँ से जो सेकंड टर्म है x-1 इसे लेट करना है y। अब आपने ये भी ऐड करना है x-2, तो उसके लिए आपको इस अमाउंट का स्क्वायर देना होगा जी। आपने लिखना स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आप स्क्वायर दे रहे दोनों तरफ स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब पावर को पावर से मल्टीप्लाई, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2=y². अब फ्रेंड हमने लेट कर दिया y, x-1 किसके इक्वल है y के, x-2 किसके इक्वल है y स्क्वायर के। अब हमने स्टूडेंट दोबारा से इक्वेशन राइट करनी है, 3x-2-8x-1+5=0। अब फ्रेंड आपने वेरिएबल करनी है, पुट लिखें। अब 3x-2 किसके इक्वल है y स्क्वायर के, आप इसके नीचे y स्क्वायर लिखेंगे, -8x-1 किसके इक्वल है y के, एंड +5=0। अब स्टूडेंट फिर दोबारा से यहाँ पर, यहाँ तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर देंगे, यहाँ पेड़ बना लेते। अब मैं इस क्वेश्चन में पेड़ बना लेता हूँ। अब पेड़ देखें, 3, 5 का 15, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15, मल्टीप्लाई करने से 15 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 8 आना चाहिए, तो वो हमारे पास ये अमाउंट है 3/5। वो दो डिजिट कौन से, 3, 5 का 15, और 3 में 5 ऐड किया तो 8। अब आपने क्या लिखना है जी, y स्क्वायर। अब इधर लिखना 3/5+5=0। आपकी मर्जी है, फार्मूला भी यूज कर सकते हो आप। अब इधर कौन सा साइन है, माइनस का, कौन सा साइन है माइनस का, तो बड़ी अमाउंट 5 के साथ माइनस, तो डेफिनेटली इधर भी माइनस आना है। देखना दोनों को सोल्यूशन करें तो -8y आ रहा है। अब आपने स्टूडेंट यहाँ से 3y कॉमन निकाला, कॉमन भी आपको पता ही है, तो अंदर बचा y-1, कॉमन वाली मोडी दोनों से डिवाइड हो जाएंगी। यहाँ से 5 कॉमन, तो -+-, तो 5 को 5 से डिवाइड किया, 1=0। अब 3y-5, आगे 2 5 फैक्टर से 1 पर लिख लो, कॉमन ले लो, =0। अब स्टूडेंट ये 0 दोनों के साथ है, आप दोनों के साथ ऐड कर दें, तो लिखें 3y-5=0, y-1=0। आगे -5 है तो उधर जाकर +5, आगे 3 मल्टीप्लाई इधर आकर 3y, अब ये -1 है इधर आकर +1 हो जाएगा। अब फ्रेंड आपने क्या करना, फिर दोबारा उसी तरह आपने ये अमाउंट दो दफा ऐड करनी है, y=5, अगर 3 चले इधर मैं लिखे तो नीचे दूसरे y=1। अब इधर आया y, तो y हमारे पास किसके इक्वल है, ये जी y किसके इक्वल है, x-1 के। अब y के नीचे लिखे पुट करना है आपने, तो y का इक्वल है -1=5 और 3। इधर भी आप देखना y किसके इक्वल है, x-1 करें -1। अब ये -1 है तो आपने इसका रेसिप्रोकल कर दे तो 1/x आता है, पावर माइनस है तो नीचे आकर +1 हो जाती है, नीचे आकर +1। माइनस को आपने प्लस में चेंज करना, उसके लिए फिर आपने इधर 1 होता है, 1 ऊपर चले जाना और ये पावर नीचे आ जाएगी। इस तरह स्टूडेंट अब 5/3, तो ये पावर 1 ना राइट करें या ना आकर। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, एक्स को 5 से 5x, अब 5 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, ये स्टूडेंट आपका राइट आंसर आया। इस तरह आपने दूसरा आंसर, इधर भी आपने वही काम करने हैं, रेसिप्रोकल 1 जो माइनस से नीचे प्लस हो जाने, पावर माइनस पे पॉजिटिव करनी है, तो जो आपने इससे इस तरह करना है 1, आगे डिवाइड है एक्स, उधर जाकर मल्टीप्लाई 1x। अब एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट आपके पास क्या आया, एक्स। इस तरह आपके ये दो आंसर है। लास्ट में हमने लिखना है सॉल्यूशन सेट,
प्रेशर सेट में लिखना 3 over 5 and 1। इस तरह स्टूडेंट आपने ये वाला क्वेश्चन करना है।